अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सेकंड डे ऑफ ईद जो है प्रिपरेशन मेरी हो गई है, मैं तैयार हो गई हूँ और ये वाला व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए व्लॉग की तरफ चलते हैं। और जो है आज मैंने वो ड्रेस पहना है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे प्रोवाइड किया था, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी। और देखिए मैंने जो है बस सिंपल लुक किया है। तो चलिए पूरा व्लॉग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जी व्यूअर्स, अभी मैं जाऊंगी फूफी जान के घर में और वहाँ पे अपनी कज़न से होगी मुलाकात। तो जो है ना, वहाँ जाने से पहले मैं कॉल कर लेती हूँ, वीडियो कॉल पे बात करूँगी अपने मामू से। और मामू कहाँ रहते हैं? मामू रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में हम करेंगे कॉल, वीडियो कॉल पे करेंगे बात। छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चले जल्दी जल्दी से कॉल कर लेते हैं। जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। तुम भी घर आके अच्छा माशाल्लाह से। हाँ सही सही सही। हाँ हाँ सही है। एक्चुअली जो एंट्री टेस्ट होता है डॉक्टरी लाइन में ना, बायोसाइंस से। सही। और आप बताएं वहाँ के हालात इंडिया के, थोड़े से क्या सिचुएशन है? बढ़िया है। सही। थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ आपकी, मैं डाल दूँ यूट्यूब पे? ये मामू है मेरे, और मामू से मैं बात कर रही हूँ। मैंने पहले व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपने व्यूअर्स से कहा कि मैं मामू से बात करूँगी, वो भी इंडिया में। देखें जैसे पाकिस्तान और इंडिया का अभी भी लिंक है आपस में, जो अपने वहाँ रह गए उनसे बात इस तरीके से हो जाती है। और आप बताएं मामी कैसी हैं? ये तुम्हारा फेस नहीं आ रहा, सिर्फ वॉल्यूम। सही स्टार्ट। और वहाँ पे इंडिया में बताओ एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जैसे तुमने बायोसाइंस लिए। बायोसाइंस लिए? जी, हम बायोसाइंस मेडिकल साइंस से सीबीएसई बोर्ड था मेरा। अच्छा, फिर मैट्रिक कंप्लीट किया फिर फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में मेरे वहाँ सीबीएसई बोर्ड में आपको 11th से ही चूज करना होती है, फिर 10th तक के आपके सारे सब्जेक्ट्स चलते हैं। अच्छा सही। 11th में हमने मेडिकल चूज करी थी, तो 11th और 12th मेडिकल रखा है। अब 12th के एग्जाम्स हुए हैं, अभी उसका रिजल्ट अभी आने वाला है, मई में आएगा, अभी डेट उसकी कंफर्म नहीं है। सही। तो कहाँ पे, कौन से वहाँ पर हो कॉलेज में? कॉलेज मतलब लखनऊ में है ना? जी लखनऊ में है, सेंट जेम्स कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सही। चलो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, जब टेस्ट हो जाए, अच्छा अच्छा रिजल्ट आ जाए फिर बताना मुझे। सही है। जी व्यूअर्स, देखा आपने, मामू से हो गई है बात। और ये छोटू जिस तरीके से परेशान कर रहे थे वो तो मैं आपको बता नहीं सकती, आप लोग समझ गए होंगे। दैट इज़ वाई मैं जो है वीडियो कॉल पे इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रही होती हूँ। खैर ईद है, ईद पर तो अपने प्यारों से बात करनी है और इनको जो है वो संभालना है, समझाना है। तो अभी बच्चे जो है वो रेडी हो गए हैं, अब मैं जाऊँगी फूफी जानी के घर में। और ये जो है आफ्टर ईशा का टाइम हो गया है, यानी कि मैं जब वहाँ पहुँची हूँ तो आई थिंक 8 और मे बी 8 बज के कुछ मिनट हो चुके थे। तो खैर जल्दी से चलते हैं और रेडी हो जाते हैं, क्योंकि टाइम जो है कम है और जाना है जल्दी जल्दी। और ईद का सेकंड डे है, मुलाकात भी ज़रूरी है और मैं फूफी जान से मिलने ज़रूर जाती हूँ। फर्स्ट डे ऑफ ईद अगर नहीं हो सके तो सेकंड डे तो मेरा मस्ट है कि मैं उनसे और अपनी कज़न्स वगैरह से मिलने ज़रूर जाती हूँ। तो चलें सर, आई एम रेडी टू गो, निकलते हैं। जी ये देखें, ये है मोमेंट, स्पेशल मोमेंट जब मैं फूफी जान से ईद मिल रही हूँ। बहुत सुकून और बहुत ज़्यादा जो है प्यार, दुआएं मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, इसके बाद मैंने अपनी कज़न से ईद मिली है और उनके बच्चे छोटे छोटे जो अभी मैं आपको व्लॉग में जो है वो शो करूँगी। उसके बाद जो है अबाया वगैरह उतार के बिल्कुल इजी हो गई हूँ, क्योंकि फूफी जानी का घर है, कज़न्स हैं और बचपन से डेफिनेटली जो है एक लिंक होता है अपनों से। तो बच्चे जो है वो जो आपस में मिलते हैं
तो वो एक दूसरे के साथ बिज़ी हो जाते हैं, बड़े आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से जो है वो गुज़र जाता है टाइम ज़बरदस्त सा। और मैं कज़न्स की जो है ना मेहंदी देख रही थी, सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह से मेहंदी लगवाई हुई है, सब जो है तैयार हुए हुए हैं। तो अभी मैं आपको ना व्लॉग में क्यूट सी बेबी दिखाऊंगी, मतलब फेस रिवील नहीं करूंगी, वो मेरी कज़न की बेटी है। और ये देखिए इतना प्यारा हेयर स्टाइल बच्चियों के हुआ हुआ था। और ये देखिए क्यूट सी मुन्नी, ये अभी 2.5 मंथ्स की हुई हैं अभी, और अभी रिसेंटली दुनिया में आई हैं Q2। और ये देखिए इनके भी मेहंदी लगी हुई है, और ये छोटा सा पर्स, और इन्होंने बैंगल्स पहनी हुई हैं। उसके अलावा जो है बहुत मज़े से माशाल्लाह माशाल्लाह से सो रही थी, और इतने छोटे छोटे से हाथ, इतने छोटे छोटे से पाँव, और इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी क्यूट हूँ कि बस जितनी देर मैं देख रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह बस मुँह से निकलता रहा है। माशाल्लाह बहुत क्यूट बेबी है। और बाद में फिर मैं अपनी कज़न्स के जो है वो मेहंदी देख रही थी, किसी ने जो है मेहंदी लगवाई है तो कोई जल्दी छुटा दी है, तो उससे डेफिनेटली कलर पे इफ़ेक्ट होता है। और एक कज़न की मेहंदी नहीं लगी हुई थी, तो जब मुझे वहाँ पे टाइम मिला तो मैंने लगाई है उनके मेहंदी। और ये देखें इनकी हरकतें, इनको जो ईदी मिलती है ना ऑन द स्पॉट मेरे हाथ में आके पकड़ा देते हैं, ऑकवर्ड भी लग रहा होता है, लेकिन अभी इनकी ट्रेनिंग बाकी है तो मुझे इतना जो है थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा होता है, लेकिन बड़े समझ जाते हैं कि अभी बच्चा है तो हंसी मजाक भी हो जाता है। देखें 9:35 हो चुके हैं और इस वक्त मुझे यहाँ पर 1 आवर हो गया है, सबसे बातें हो गई हैं, सबकी खैर खैरियत ले ली है। अब थोड़ा जो है वो किचन में जाने का टाइम है फ्रेश वगैरह होकर, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ज़रा कज़न से डिस्कस करते हैं कि वो किचन में क्या कर रही हैं। जी व्यूअर्स, देखें मुझे देखते ही जो है ना वो सारी जो है वो जल्दी से रूम में चली गई हैं और मुझे कह दिया है बाजी आप वीडियो बना लीजिए अपनी। तो मैंने यहाँ पे है वीडियो बनाई, और उसके बाद जो है आई टोल्ड देम के जो है डोंट यू वरी, मैं आप लोगों की जो वीडियो डालूंगी उसको आप लोग देखते रह जाएंगे कि मैंने कैसी एडिटिंग की है। तो फिर जो है कॉन्फिडेंस डेवलप किया है उनके अंदर, और उसके बाद जो है उन लोगों ने मुझे परमिशन दी है कि ओके, बिकॉज वो खुद मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और देख रही होती हैं कि बाजी उनकी क्या वर्क कर रही हैं। तो खैर मैंने अपनी कज़न की मेहंदी लगाई है, और इसके बाद जो है वो हमारा जो प्रोसेस होता है लेडीज़ का कि किचन में जाना है और सारी चीज़ें जो बनाई हुई हैं उसको गर्म करना है, तो ये सब जो है मैंने नहीं किया, डेफिनेटली उन्होंने सब किया हुआ था। मैंने वहाँ जाके बस व्लॉगिंग की है और बस उनसे क्वेश्चन करती रही, वो मुझे आंसर देती रही, गपशप हो रही थी, और साथ साथ जो है वो वर्क होते जा रहे थे जो आप अभी आगे देखेंगे। मैं किचन में सडनली गई हूँ तो यहाँ पे तैयार हो रहा है रायता, और साथ साथ बातें हो रही हैं, खैर खैरियत पूछी जा रही है, रायता तैयार हो गया है, यानी कि आप ये समझ लें कि काम भी होते जा रहे हैं, बातें भी होती जा रही हैं, और जो है साथ साथ व्लॉगिंग भी चल रही है। तो यहाँ पे जो है ज़बरदस्त सालन बना हुआ है और पुलाव बना हुआ है, चिकन पुलाव बना हुआ है, इसके अलावा जो है रोटी बाहर से आ गई है और प्लेटर में जो है सर्विंग स्टार्ट हो गई है, दस्तरखान वहाँ पे लग गया है, और साथ साथ जो है वो किचन में से चीज़ें वहाँ पे जाके डेकोरेट हो रही हैं। तो जो है सारी कज़न जो है वो बिज़ी थी, और साथ साथ मैं भी जो है उनकी हेल्प कर रही थी, और वो मुझे बताती जा रही थी कि ये चीज़ यहाँ है, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी दिनों बाद जब जाओ तो थोड़ी सेटिंग चेंज हुई भी होती है। तो पुप्पी जानी ने भी कहा कि काफ़ी दिनों बाद आई हो, आया करो और चक्कर लगाते रहा करो। तो आई टोल्ड हर कि डेफिनेटली आऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ देखें एक कज़न जो है वो कस्टर्ड लेकर जा रही थी तो मैंने उसको रोक लिया है, और वो भी बड़े मज़े से जो है ना मेरी वीडियो बनवाने लग गई कि अच्छा बाजी देखें सेट हो गया, सही लग रहा है। तो इस तरीके से जो है ना समझे कॉपरेट सब कर रहे थे और मेरा व्लॉग तैयार हो रहा था आप लोगों के लिए। तो इस बात पर तो आप लोगों को लाइक करना बनता है ना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरे चैनल को जो है बहुत ज़्यादा प्यार देना है। ये देखें दस्तरखान जो है वो लग गया है और फैमिली में सब ईद मिल रहे हैं, बाकी बाद में जो है हम अल्लाह हाफिज़ करके आए हैं बाहर, और जो है बहुत मज़ा आया, थैंक्स टू अल्लाह ईद का सेकंड डे भी गुजर गया, और अपने प्यारों से होती जा रही है मुलाकात, और साथ साथ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें, मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में शामिल रखती हूँ।
तो ये थी मेरी प्रिपरेशन सेकंड डे ऑफ ईद, और मेरा विजिट जो था वो मैंने आपसे डिस्कस किया, मामू से बात की। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।